स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सरसाइज 5.3 का। ओके, एक्सरसाइज 5.3 क्या है आपकी? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओपन योर बुक पेज नंबर 87। व्हेन अ डाइस फॉर द लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। किसी भी डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो जो इवेंट हमको मिल रहे हैं वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन, मैंने आपको ये सॉल्यूशन राइट किया है तो क्वेश्चन बुक में से एक्सप्लेन कर रही हूं आपके। अ प्राइम नंबर, व्हेन अ डाइस इज थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, मतलब क्या इवेंट्स आपको मिलेंगे। अ प्राइम नंबर, अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डाइस की बात करते हैं कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं। डाइस में आपको मालूम है कि 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये टोटल, ये आपके क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। कितने हो गए? आउटकम्स। इसके अलावा कोई नंबर होता है डाइस में? नहीं होता है। डाइस सभी ने देखा, जब हम लूडो खेलते हैं तो डाइस का यूज करते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, ये तो सभी को पता है। अब उसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा कि प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसको अपने खुद से ही हम डिवाइड हो जाए उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसमें हम सर्च करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कराना है तो इसमें प्राइम नंबर 1 इज प्राइम नंबर? नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर एंड 5 इज प्राइम नंबर, बट 4, 6 एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्राइम नंबर के लिए था कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5, मतलब जो इवेंट जो मिलेगा हमको आउटकम से उसका प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3 एंड 5। इज दैट क्लियर? नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर नहीं है, अब आपको ये तो पता चल गया कि 2, 3, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके जो रिमेनिंग नंबर है इज कॉल्ड अ नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज 1, 4 एंड 6। 1, 4 एंड 6 आर नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ अ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, दैट इज 1, 4 एंड 6। 1, 4 एंड 6 नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 1, 4 इज 6 इज डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। ओके, नाउ लेट वी एक्सप्लेन सेकेंड क्वेश्चन इन दिस पार्ट। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? अ नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से ग्रेटर है? 5 से ग्रेटर नंबर क्या है आपका? देखिए आप चेक कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इट इज नॉट अ ग्रेटर। 6 इज अ ग्रेटर नंबर। क्या है? 6 इज ग्रेटर नंबर देन 5। तो आवर आंसर इज आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। 6 इज आवर आंसर क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जो 5 से क्या है? ग्रेटर है। ओके, लेट वी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो 5 से ग्रेटर क्या है? 1, 5 से ग्रेटर नहीं है, 2, 5 से ग्रेटर नहीं है, 3, 5 से ग्रेटर नहीं है, 4 भी 5 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाउ आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो है 5 जो नंबर है, 1 भी ग्रेटर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और 5 इक्वल है बट नॉट अ ग्रेटर। इक्वल है इसलिए हमने उसको राइट कर दिया कि 5 इज अ इक्वल नंबर, नॉट अ ग्रेटर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।